आज देखते हैं 18 इंची सिंगल बेस ऑल मटेरियल, क्या क्या सिंगल बेस में सामान लगता है उसके बारे में आज देखते हैं। जैसे ये अपना 18 इंची का 1500 वाट का स्पीकर है, अभी इसे खोल के दिखाता हूँ। और ये अपनी फ्रंट की जाली हो गई, और ये अपने नट बोल्ट स्पीकर सॉकेट, ये सब है, सबको दिखाता हूँ खोल के। पहले स्पीकर से वायरिंग करते हैं, जरा ऐसे खोल लेते हैं। ये हमारा 18 इंची का स्पीकर है, इसे भी खोल के दिखाता हूँ। ये रहा इसका बैक साइड, जो कि इस तरीके का है। इसकी मैग्नेट 240, इसकी मैग्नेट अपनी 220, और हाइट इसकी 30 mm है। और जो इसकी वॉइस कोयल है वो है अपनी 4.5 इंची। ये तीन स्पाइडर में है, ये दो सिलिकॉन का डबल स्पाइडर और एक सिंगल स्पाइडर, जो कि ये रहा। अब इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। ये रहा इसका फ्रंट लुक। अब बात कर लेते हैं इसकी जाली की। ये रही इसकी जाली, जो कि 18 गेज में है। इसकी साइज है 22x24। ये रहा अपना 24.5 के करीब है। साढ़े चौबीस इंच, वहाँ से है अपना 22.5 इंच। ये अपनी चार जालियाँ हैं। ये दो तीन चार, चार सिंगल बेस बनाने हैं। और ये अपना पुट्टी, जो कि बाद में लगाएंगे, 800 ग्राम की है। तो एक और है अपने पास 800 ग्राम की, दो लगेंगी पुट्टियाँ। और ये अपनी बैक प्लेट है स्पीकर सॉकेट वाले, इसमें दो स्पीकर सॉकेट टाइट हो जाएंगे, जो कि ये रहे खुला हुआ पैकेट होगा। ये रहे, जो कि ऐसे लग जाएगा, ऐसे टाइट हो जाएगा यहाँ पे। ये भी अपने चार पीस हैं। ये स्पीकर सॉकेट होगा। और ये जो इसके बॉक्स के नीचे लगाने के लिए गुटके हैं, ये रबड़ के हैं। ये भी अपने 16 पीस के करीब है, चार बेस के हिसाब से। और ये रहा फेविकोल। ये रहा अपना सेल्फ स्क्रू, सेल्फ स्क्रू कह रहा हूँ, चाइनीज वाले स्क्रू, जो कि बॉक्स बनाने का स्क्रू लगा देंगे, जिससे बॉक्स की पकड़ जो रहती है बढ़िया हो जाती है। बेस पढ़ने पे ये ढीले नहीं पड़ेंगे। और ये अपने एलंकी वाले बोल्ट, ये रहे। ये इसमें टाइट हो जाएंगे, स्पीकर के लिए लगाएंगे ये, जिससे इसकी पकड़ काफ़ी बढ़िया रहेगी। ये अपना सिंगल 18 इंची के बेस का ऑल मटेरियल। अब बनाएंगे इसका कैबिनेट, वो आने वाली आगे वाली वीडियो में दिखाता हूँ।